ओजांग सर की कुछ दो बेस्ट बातें बताइए। ओजांग सर कहते हैं प्रैक्टिस कीजिए और बस पेशेंस रखिए। ओके सेकंड। और सेकंड इज आईएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है। ओके चलिए, व्यक्तित्व हमें गुरुकुल में ही मिल सकता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच जी। आपने देखा किस तरीके से ओजांग गुरुकुल आईएएस एकेडमी के स्टूडेंट से मैंने बात करी और उन्होंने किस तरीके से बताया सब कुछ, और ये देखिए। और चलिए हम मैं आपको अभी मैं कहाँ हूँ ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, नोएडा सेक्टर 48 ओजांग गुरुकुल आईएएस एकेडमी, ग्रीन सिटी आप देख सकते हैं। आइए मैं आपको चलिए क्लासरूम दिखाता हूँ जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से ग्रीन इसको डेकोरेट किया गया है, और ये सब हमारे बच्चों ने किया है। ये है हमारा हॉस्टल, ये देखिए पूरा ग्रीन और क्लीन। आइए मैं आपको क्लासरूम दिखाता हूँ किस तरीके से बच्चों ने डेकोरेट किया है। ये देखिए ये हमारा क्लासरूम है, किस तरीके से बच्चों ने डेकोरेट किया है। अभी सारे बच्चे क्लास में हैं, लंच करने गए हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये हमारे टीचर, हाय सर, हाय स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? आपको कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ बोलना चाहेंगी ओजांग गुरुकुल आईएएस एकेडमी के बारे में? पढ़ाई का पूरा माहौल मिल रहा है। ओके जिस तरह से हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी हो रहा है। ओके न्यूज़पेपर पढ़ने में, हमारा स्टडी टाइम मैनेज करने में, इवन हमारा फिजिकल एक्टिविटीज भी सारी यहाँ पर करवाई जा रही है, और बहुत अच्छे से, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। ओके मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि आप अगर ये चीज घर पे रह के करती तो वो बेस्ट था, या फिर आप गुरुकुल में आगे कर रही हैं वो बेस्ट है? कर रहे हैं, बहुत बेस्ट है। ओके और ओजांग सर आपको पढ़ाते हैं, आप कैसा लगता है आपको? ओजांग सर के सारे चीज़ें टॉपिक्स जो है वो ऑब्वियसली और हमेशा पेपर के अकॉर्डिंग ही होते हैं, वो अभी 360 एनालिसिस करवा रहे हैं, वो भी बहुत बेस्ट है। मतलब हमें अगर कुछ पढ़ना नहीं है, अगर हम सर की 360 एनालिसिस अगर क्लासेस कर लेते हैं तो हम यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। क्लासरूम जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ये देखिए आपको मैं छोटी सी झलक दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे सारे स्टूडेंट रहते हैं और इस समय सब लोग सबकी क्लास चल रही है। ये हमारे हॉस्टल हैं, अभी सब लंच पे गए हैं, क्लास चल रही है इसीलिए सब बिजी हैं। आपके आइए मैं आपको रूम दिखाता हूँ, हमारा हॉस्टल। बच्चों की क्लास चल रही थी इसीलिए मैं आपको मैं दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे।